बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपन ने की थी, अब आज से अपने को संवर तत्व संबंधी भूल प्रारंभ कर दी। बंध तत्व संबंधी भूल में एक बात और थी कि इस जीव को कर्म का तो ज्ञान है नहीं, और कर्मों के निमित्त से होने वाली जो अवस्थाएं हैं उसका इसको ज्ञान नहीं है, तो असली कारण को नहीं जानता है, और इसलिए या तो अपने को या दूसरे को संसार में जो भी अवस्था होती है उनका उत्तरदायी मानता है। क्या जैसे अनुकूल संयोग मिले तो मेरा पुरुषार्थ, प्रतिकूल संयोग मिले पता नहीं क्यों हुआ, किसी के कारण से हुआ, किस व्यक्ति के निमित्त से ऐसा हुआ, तो वो अपने को और दूसरे को तो जिम्मेदार मानता है, लेकिन जो मूल में कर्म बंध है उसको वो नहीं देखता। मैंने बंध में बंध के ऊपर नजर ही नहीं, भाई मेरा सुख दुख जो है उसका मूल कारण तो कर्म बंध का उदय है। सांसारिक संसार की जितनी अवस्थाएं होती है तो ज्ञान की हीनता होना, मोरु परिणाम होना, चाह हुआ नहीं होना, आयु हीनाधिक मिलना, शरीर की रचना होना, ऊंच नीच गोत्र मिलना, सुखकारी और दुखकारी संयोगों का मिलना, तो इन सब में होने में मूल कारण क्या है? इन सब के होने में मूल कारण कर्म है। मोक्षार प्रकाशक निकालते हैं सबको, हाँ तो निकाल लिया करो, छेड़ाला में भी उसमें सब जगह अपने काम आता है। की ग्रंथ है वो, हजार ग्रंथों का एक ग्रंथ सी चाबी कहे, सब ग्रंथों की चाबी है। जिसने वो समझ लिया उसने समझ लो हजार ग्रंथ पढ़ लिए। तो उसमें बात है कि इस जीव को, देखो मैं उसी शब्दों में बोलता हूँ आपको, उसके साथ एक मिनट को इतना तो देखिए, पेज नंबर 80 पे है वो भैया, 80 पे आएगा मतलब बंद कर दो, 82 निकालो, 82 निकालो, 82 83 पे देखना है, पेज नंबर 82 83। तथा इन आश्रम मिला, तथा इन आश्रम भावों से ज्ञानावरणादिक कर्मों का बंध होता है। होता है किन से होता है? इन आश्रम भाव से। किन आश्रम भाव से? कौन से आश्रम भाव से? इन किन, इसे पीछे पता क्या है? पीछे जिस आश्रम तत्व का वर्णन करके आए उसका मतलब वो मिथ्यात्व और कषाय रूप भाव, वो क्या है? आश्रम, कर्मबंध का कारण। आश्रम कौन है? रागादि भाव, मोह राग द्वेष भाव आश्रम है, तो इनसे ज्ञानावरणी कर्मों का बंध होता है। पीछे अपन बात कर क्या चुके हैं, मिथ्यात्व राग द्वेष से 8 कर्मों का बंध होता है। 8 कर्म है ना, 8 कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण, तो ज्ञानावरणी के बंध का कारण कौन? जैसे ज्ञान के ऊपर आवरण होना, ये ज्ञानावरणी कर्म का कारण है। तो ज्ञान के ऊपर आवरण क्यों होता है? ज्ञानावरणी कर्म का बंध क्यों होता है? मैंने ज्ञान के ऊपर आवरण डाले इसे कर्म का बंध किस भाव से होता है? ऐसे ही चाह हुआ नहीं होना, दर्शन प्रकट नहीं होना, ये सब चीजों में, तो इसमें मूल कारण एक ही है बस। 8 कर्म के बंध का कारण एक, मिथ्यात्व कषाय भाव। ज्ञान की हीनता नए कर्म बंध का कारण नहीं है, ज्ञान का विपरीत पना नए कर्म बंध का कारण है।
क्या? ज्ञान की हीनता, माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय बंद का कारण नहीं है, मिथ्यात्व है ना, जो ज्ञान को विपरीत कर रहा है, जिसके निमित्त से ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, वो मिथ्यात्व कर्म बंद का कारण है, वो अकेले ही आठ के बंद का कारण है, बाकी सातों कर्म जो है ना वो उससे बनते हैं, सातों कर्म का उदय बंद का कारण नहीं है, मोहनी कर्म का उदय मात्र ही बंद का कारण है। आयु कम मिली ज्यादा मिली कर्म बंद नहीं, उससे ज्ञान कम हुआ ज्यादा हुआ उससे कर्म बनेंगे, चाह हुआ नहीं हुआ हो गया उससे कर्म बनेंगे, दर्शन के ऊपर आवरण हुआ उससे कर्म बनेंगे नहीं बनेंगे, कर्म बंद का एक कारण एकमात्र कारण एक ही है बस, मोह मोह और मोह, मोहनी कर्म का उदय माने मोह के निमित्त से मोहनी कर्म के उदय से होने वाले मिथ्यात्व और कषाय भाव ही बंद के कारण है, और संसार में कोई कर्म बंद का कारण नहीं, जिसको कर्म बंद से बचना हो वो मिथ्यात्व और कषाय भाव नहीं करे। सार बात यह है पूरे जिना ग्रंथ, तो इन आश्रव भाव से माने इन मिथ्यात्व कषाय भाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र आठों के आठों बनते हैं, बाय वन गेट एट फ्री, तुम बस एक मोह राग द्वेष के भाव करो तुम्हारे आठ ही बन जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, कभी आयु नहीं भी बने तो सात तो बंदे नहीं बने, और उनका उदय होता है जब आप बंदे आठों कर्म, तब उसका उदय आएगा तब क्या होगा, तो एक एक देखना एक 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 पैराग्राफ सॉरी एक एक कॉमा के पहले का वर्ड पढ़ना तो एक एक कर्म का नाम आ जाएगा, जैसे ज्ञान दर्शन की हीनता होना तो किसके उदय में ज्ञान की हीनता हुई, ज्ञानावरणी, दर्शन की हीनता दर्शनावरणी, मिथ्यात् कषाय रूप पर्णवन होना किसके उदय से मिथ्यात् कषाय भाव हुए, मोहनी के, चाहा हुआ ना होना कौन से कर्म के उदय का कार्य, अंतराय, सुख दुख का कारण मिलना वेदनी, सुख के कारण साता के उदय से, दुख के कारण शरीर संयोग रहना, शरीर का संयोग रहना कितने दिन तक शरीर का संयोग रहना, आयु, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नाम का, नीच उच्च कुल का पाना, आठों कर्म आगे मैंने मोह राग द्वेष भाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद होता है, ज्ञानावरणादि में आठों का, और फिर उन आठों का उदय होने पे क्या दशा होती है बता दिया, अब ये होता है, अब इसके होने में मूल कारण कौन है, कर्म, इसके नहीं नहीं इनके होने मतलब आठों कर्म का उदय आया तो मूल तो कर्म का उदय है ना, मतलब नीच उच्च कुल मिला, नए आगामी बंद जो होगा वो मोहनी के निमित्त से हुआ, लेकिन अभी जो नीचा उच्च कुल मिला है वो पुराने गोत्र कर्म के निमित्त से मिला, मैंने हमने पहले मोह राग द्वेष भाव किए थे उससे आठ कर्म बांधे थे, उदय आ रहा अभी आठों का, और हम उन आठों के उदय में जो मोहनी के उदय में मोह राग द्वेष होता है उससे आठों बांधते हैं, आठों का उदय बंद का कारण नहीं है, बंद का कारण एक ही है, एक के उदय बंद का कारण है मोहनी, मोहनी के उदय से जो मिथ्यात् कषाय भाव होते हैं उससे आठों ही बनते हैं, फिर वो आठों बनते हैं, फिर जब आठों का उदय आता है तब क्या होता है, तो कई ही होता है, ज्ञान दर्शन की हीनता होती है, मिथ्यात् कषाय भाव परिणमित होता है, चाह हुआ नहीं होता है, सुख दुख के कारण मिलते हैं, शरीर से ही होता है, ये सब आठों काम होते हैं, क्या अब इनके होने में कौन है, इसलिए मूल कारण कर्म, ये क्यों हुआ, किसी को ऐसा कुल मिला किसी को ऐसा कुल मिला, इसमें कारण कौन है, कर्म, किसी को ऊंचा शरीर किसी को नीचा शरीर, कोई मोटा कोई पतला, क्या कोई की कैसी कोई का कैसा शरीर, इन सब में मूल कारण कौन है, बस कर्म, कर्म के अलावा कुछ, ज्ञान की हीनता अधिकता कर्म, चाह हुआ होना चाह हुआ नहीं होना कर्म, कर्म का उदय हो तो हो जाए नहीं हो तो नहीं, अंतराय कर्म का उदय हुआ चाह हुआ नहीं, अंतराय कर्म का उदय नहीं हुआ हो जाए चाह हुआ, शरीर कितने दिन तक रहेगा, आयु कर्म के लिए से आपके टिकाए रहने वाला कितने सुबह सुबह उठ के दौड़ने चले जाएंगे,
मतलब उससे टिके, अपन मानते हो भले ही उससे कुछ भी, लेकिन उससे कुछ नहीं टिकने में मूल कारण है कर्म, आयु कर्म। तो कह रहे इनको नहीं पहचानता, देखो इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे पहचानते ही नहीं उसकी, तो इसको तो उन कर्मों की खबर ही नहीं है। ऐसा भी कोई कर्म भी है जिसके कारण से जीव शरीर में टिका रहता है, और जैसे ही वो कर्म के निषेध खिड़ जाते हैं तभी जीव शरीर से चला जाता है, ऐसी खबर इसको नहीं, तो खबर ही नहीं। बस मतलब क्यों मरते हैं कि साहब बीमारी से मरते हैं, बीमारी नहीं हुई ऐसा उपाय कर, जो असली कारण है उसको नहीं जानता, ऊपर ही ऊपर के सारे कारण को दूर करने की कोशिश करता है और वो होते नहीं। कौन मरना चाहता है, सारे उपाय करते हैं नहीं मरने के, फिर भी आयु कर्म के निषेध पर मरनी पड़ती। क्या ये सारी चीजें होती रहती है, ऐसा नहीं है, हर दिन रोज की रोज देख लो आप,